नाजरीन थाने बुलाखान वेझो गोठ सालेह मोहम्मद पालारी में समाजी तंजीम पारा मुफ्त तिबी कैंप लगाई वही। रिपोर्ट करे रहा है शहबाज उमरानी। थाणो बुलाखान में समाजी तंजीम थरदीप के तरफा गोठ साले मोहम्मद पालारी में एक रोजा मुफ्त मेडिकल कैंप लगाई वही, जैमें सवे मानुन जो चेकअप करे मुफ्त दवाओं डिनी वही। मुफ्त मेडिकल कैंप में गोठ साले मोहम्मद पालारी समेत आसपास के मुख्तलिफ गोठन के सवन मानुन शिरकत कई। कैंप में 200 का वधिक मरीजन जो चेकअप करे मुफ्त दवाओं डिनी वही। उन सिलसिले में आवाज टीवी न्यूज से गालाइंदे समाजी तंजीम के अगवाणन डॉक्टरन ए गोठाणन चयो त थरदीप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट जामशोर की मेडिकल टीम से गड एक दिन की फ्री मेडिकल कैंप लगाई है, जैमें फ्री कंसल्टेशन फ्री मेडिसिन अस प्रोवाइड क्यों पाया। इतने साले मोहम्मद पालारी में को एक्सेस न मेडिकल सेंटर की वेझड़ाई में है, न को ट्रांसपोर्ट की सहूलत है, न को रोड रस्त की है। ही तमाम घो परे इलाको है यूसी मोदर खान पालारी जो। असांजी हमेशा यह कोशिश रही है तो अड़न इलाक में वही मानून की सपोर्ट क्यों। फ्री माना मेडिकल कैंप है, फ्री मेडिकल में नालो मेडिसिन की दवाओं इतने सभी डनी वन बीमारी के हिसाब से बार अक्सर कर रीनल पेन के हिसाब से एनीमिक जी रत की तमाम कमी है उनके हिसाब से असा इतने अड़ा बार काफ़ी मिलन। अड़ा बार जी छाती भी खराब है वे भी असा काफ़ी अड़ा बार मिलन। कमन बीमारियों दिठान पेशेंट्स एनीमिक घा अस इत तक 200 का 250 पीटी कर चुका है, उनमें वा भी नंढा भी पुट पेल मानन के मुफ्त मेडिकल चेकअप कर दवाओं फिराम कई हुई। अस तमाम शुक्रगुजार आया थरदीप इदारे जहा मुख्तलिफ गोठन आसपास प्यारो गोठ साले मोहम्मद गोठ गाजी गोठ हाजी तालुक गोठ के मुख्तलिफ इलाक आसपास के मान शिरकत कई। में एक डी कैंप लगाई हुई जैमें काफ़ी मान फायदो हासिल किया। हि मेडिसन के दवा दिनों आसपास के गोठ जहाँ मू काफ़ी शामिल थे। थरदीप पारन शुक्रगुजार हूँ जिते पहाड़ी इलाक में डॉक्टर अस्पताल वेझी न होने के कैंप के तरफा मुफ्त दवाओं डी। समाजी तंजीम के अगवाणन डॉक्टर गोठाणन जहाँ विचार बुधा। उन्होंने गोठ साले मोहम्मद पालारी कोस्तान के पुरते पयल इलाको है। समाजी तंजीम तरफा लगायल कैंप में गोठाणन के रिलीफ मिल कोस्तान के मुख्तलिफ गोठन में अड़ी कैंपू लगन घुर्जन जी गरीब मानून के फायदो मिले। शहबाज उमरानी आवाज टीवी न्यूज थानू बुलाखान।